तो कैसे मेरे भाई, हम एजर कॉर्नर वीडियो के साथ। और यहाँ पे देखिए, हमारे पास है लेनोवो का आइडिया पैड है, आइडिया पैड 3 जो मॉडल आता है। तो इसका अमेजोन का लिंक और फ्लिपकार्ट का दे दूंगा, आप जाके परचेस कर सकते हैं दोनों का। तो यहाँ पे चलिए देखिए, बॉक्स हमारा आज ही आया है अमेजोन के, सॉरी फ्लिपकार्ट से मैंने ये परचेस किया है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे जैसे कि आप लोगों को पता होगा डील्स वगैरह चल रहे थे। तो चलिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह मैं इसके दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो स्पेसिफिकेशन वगैरह आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, तो इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो ये बेसिकली 8 GB रैम है इसमें, 512 GB SSD हमको प्रोवाइड किया जाता है, 1080p का इसका डिस्प्ले आता है। तो चलिए इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये कोर i3 है 11th जेन, जो अभी लेटेस्ट जेन जो चल रहा है इसका, इंटेल का कोर i3 टू कोर्स और 4 थ्रेड के साथ आता है ये। तो चलिए यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो पैकेजिंग देखिए काफ़ी अच्छी थी, इसके ऊपर एक और पैकेजिंग थी, मैं उसको हटा चुका हूँ। तो चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। तो मैं इसे यहाँ से सील निकाल देता हूँ, पहले से निकला है। तो चलिए यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। देखिए हमारा बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया, मैं इसको रखता हूँ साइड में। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग इसको निकाल चुके हैं। ये हमारा चार्जर है, तो ये 12 वाट का अडोप्टर है शायद, पता नहीं कितने वाट का है, 12 वाट का ही होगा शायद, सॉरी 65 वाट का है, सॉरी 65 वाट का अडोप्टर है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको साइड में रखता हूँ। और यहाँ पे देखिए, पेपर वर्क वगैरह दिए हैं हमको, तो ये सब आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो ये सबको साइड में रखता हूँ, हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। यहाँ पे देखिए लैपटॉप, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा लैपटॉप है, काफ़ी स्लिम लग रहा है, मतलब पहले के लैपटॉप तो ज़्यादा ही थिन आते थे, मतलब थिक आते थे, अभी को पतले हो गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेजल्स वगैरह पूरे पतले हैं इसके। तो इस तरह का हमारा ये लैपटॉप दिखता है, तो आप देख पा रहे हैं ये साइड लुक है इसका। और यहाँ पे देखिए पोर्ट्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक पावर अडाप्टर है हमारा, ये वाला USB है, ये वाला HDMI है, और ये वाला हमारा सी टाइप का जो पोर्ट आता है वो है, और ये हमारा 3.5 mm का हेड जैक है। और इस साइड आपको देखिए SD कार्ड रीडर मिलेगा, और एक और USB आपको देखने के लिए मिलेगा, बाकी सब ऐसे ही है। यहाँ पे देखिए कूलिंग के लिए वेंट्स दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे कूलिंग वगैरह जो आपका बहुत अच्छे से होगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, जो अंदर का हीट रहेगा वो बाहर अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरह का लैपटॉप है। अब चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस लैपटॉप को ओपन कर चुका हूँ, यहाँ पे इस कवर को हटाता हूँ। यहाँ पे देखिए, और एक ये लेनोवो के सर्विस का, ये सब पूरा ये सब देख पाएंगे आप लोग, स्कैन करके आप इसका जो पूरा सीरियल नंबर वगैरह है कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे मैं लैपटॉप की तरफ चलता हूँ, इसको साइड में रखता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं इस केबल को खोल लेता हूँ और ऑन करके दिखाता हूँ। तो शायद ये डिस्चार्ज है, मैंने अभी इसको ऑन किया, शायद डिस्चार्ज है। तो चलिए यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम इसको कनेक्ट करता हूँ, पता नहीं डिस्चार्ज है कि प्रॉब्लम है, शायद वापस भेजना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, हम अपना लगा चुके हैं अडाप्टर। अडाप्टर लगाने के बाद हम इसको लगाएंगे अपने पिन में। तो यहाँ पे देखिए, हमारा लैपटॉप जो है यहाँ पे लगा दिया है चार्जिंग के लिए, शायद ऑन हो जाएगा, पता नहीं लाइटिंग वगैरह कहीं पे दिखा नहीं रहा है चार्जिंग का। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं, शायद यहाँ पे देखिए लाइटिंग आ गया है। तो इसको हम लोग ऑन करते हैं और स्क्रीन की तरफ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, बटन दबाया मैंने, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो लैपटॉप है यहाँ पे सक्सेसफुली ऑन हो गया। तो शायद इसमें पहले से ही विंडोज 10 जो है इनबिल्ट है, तो इसका वेरिएंट वगैरह तो मैं आपको समझा ही दिया हूँ, तो अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक वगैरह दे दूंगा इसका। तो यहाँ पे बेजल्स वगैरह आप देख पाएंगे काफ़ी स्लिम है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर लुक यहाँ पे दे देता हूँ बेजल्स का, आप यहाँ पे देख पाएंगे काफ़ी थिन बेजल्स हैं इसके। यहाँ पे देखिए, आपको 720p का कैमरा देखने के लिए मिलेगा, मतलब वेब कैम वगैरह अगर आप चलाते हैं, तो कैमरा वगैरह लोड करते हैं तो उसके लिए, तो ये सब देख पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए A little हमारा sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. तो यहाँ पे इस तरह का ये लैपटॉप आता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, कीज वगैरह देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, स्पेस वगैरह दबाने पे ऐसा साउंड आता है। तो यहाँ पे देखिए, लेनोवो का लोगो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे देखिए, आपको बारकोड मिलेगा रजिस्टर करने के लिए, तो आप इस बारकोड को स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी हम सेटअप वगैरह कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको इसका साउंड का और वेबकैम का एक लुक आपको दिखा दूंगा, कि कैसे साउंड का और इसका आपको, मतलब अगर आप वेबकैम चलाते हैं तो किस तरह का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, और साउंड भी मैं अभी आपको इसका सुनाऊंगा। तो पहले सेटअप वगैरह मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो यहाँ पे सिस्टम है वो ऑन हो गया, सेटअप हो गया विंडोज 10 का। तो विंडोज 11 बाद में अपग्रेड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे चलिए मैं इसका एक लुक आपको दिखा देता हूँ, फीचर्स वगैरह जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप स्पेसिफिकेशन वगैरह जो इस लैपटॉप के देख पाएंगे आप लोग यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ आपको देखने के लिए। तो विंडोज 10 ये सब है, 8 GB रैम है जैसा कि मैंने आपको बताया, और भी सारे फीचर्स हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह आप देख सकते हैं इसका कितना ये सब है, इसका डिस्प्ले, रैम वगैरह, मेमोरी वगैरह, साउंड देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए इनपुट वगैरह क्या क्या है इसमें दिए गए हैं, तो ये सब फीचर्स हैं इसके। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे बंद करते हैं और यहाँ पे एक साउंड क्वालिटी मैं आपको इसका सुना देता हूँ, साउंड कैसा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना यूट्यूब ओपन कर लिया हूँ। यूट्यूब ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कोई एक NCS का म्यूजिक दिखा देता हूँ मैं आपको, NCS डाल के यहाँ पे चलिए ये प्ले कर देता हूँ मैं एक। यहाँ पे देखिए मैं इसका साउंड फुल कर दिया हूँ, आप लोग यहाँ पे सुन पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे 67 है, मैं इसको 100 पे कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारा जो YouTube का है इसका भी साउंड फुल हो गया है। अब कुछ मिनट के लिए मैं क्वाइट हो जाता हूँ ताकि आपको साउंड का कंपेरिजन मिल जाए। तरह का साउंड आपको सुनने के लिए मिलेगा यहाँ पे। अब चलिए मैं इसका कैमरा भी आपको दिखा देता हूँ कैसा है, दिखता है इसका कैमरा वगैरह। तो यहाँ पे सेटअप करने के लिए बोल रहा है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्च बार में जाता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ कैमरा, हमारा देखिए यहाँ पे कैमरा ऐप है, चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैमरा का कंपैरिजन मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फुटेज वगैरह मैं यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ही कैमरा ऐप ऑन किया था, तो इस तरह का आपको क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी है, उतनी भी खास नहीं है, लेकिन 720p में आप क्या एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। शायद मेरे घर में थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, इशू है, तो इसके लिए शायद क्लियर ना दिख रहा हो। तो इस तरह का आपका कैमरा जो रहेगा, अगर आप कहीं पे बात कर रहे हैं वेबकैम वगैरह से, तो आपको इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब फीचर्स हैं इस लैपटॉप के, अगर आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं, काफ़ी बजट फ्रेंडली लैपटॉप है ये। तो अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर एक पूरा रिव्यू लाऊंगा कि कैसा ये परफॉर्म कर रहा है, कितने दिन में, मतलब कैसा ये, मतलब लॉन्ग टाइम रिव्यू दूंगा मैं इसका। तो इसके ऊपर बने रहिए हमारे चैनल पे। तो अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है बने रहिए हमारे चैनल पर। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए ऐसे ही टेक टॉपिक के साथ।